हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है। आज की रेसिपी है बैंगन का भरता बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंगन का भरता बनाना। बैंगन का भरता बनाने के लिए ये हमने 1 किलो बैंगन को भून लिया है। इसको हमने गैस पे भूना है तेल लगा के, और इसे धो के अच्छे से साफ करके मैश कर लिया है बैंगन को मैंने। और ये मैंने 5 बड़े प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक कट कर लिए हैं। 4 टमाटर लिए हैं, इनको भी बारीक कट कर लिए हैं। और ये 1 कटोरी मैंने मटर के दाने लिए हैं। 4 मैंने हरी मिर्च ली है, इनको भी मैंने कट कर लिया है। ये 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है। ये 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है। नमक स्वाद अनुसार, और ये 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। तो आइए बनाते हैं बैंगन का भरता। ये मैंने कढ़ाई को गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैं गरम होने दूंगी। ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये जीरा डाल दूंगी। अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी। प्याज को मैं भूनने दूंगी। जब तक ये हमारे प्याज भूनते हैं, तब तक मैं ये अदरक को कूट लूंगी। ये 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसको मैंने छील लिया है। अब मैं इसको कट करके इसे बारीक कूट लूंगी मैं। और ये हमारा अदरक कूटकर तैयार हो चुका है। अब मैं ये अदरक भी प्याज के साथ ही डाल देती हूँ, जिससे कि ये भी भुन जाएगा। और ये हमारे प्याज भुन चुके हैं। अब प्याज के अंदर मैं ये मसाले ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। साथ ही मैं इसमें मटर डाल दूंगी और हरी मिर्च भी डाल दूंगी इसमें। और इसे मैं 1 से 2 मिनट ढककर पकने दूंगी, जिससे कि ये हमारी मटर अच्छे से गल जाएंगी। तो आइए चेक करते हैं। और ये हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है, और मसाले में मटर भी अच्छे से पक चुकी हैं। ये देखो, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, कितने अच्छे से गल गई हैं। अब मैं इसमें बैंगन डाल दूंगी। और इस बैंगन को अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसमें। हमने बैंगन के भरते में हल्दी का प्रयोग नहीं किया है, आप चाहें हल्दी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालूंगी।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। ये हमारा बैंगन का भरता मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पकने दूंगी और मीडियम गैस पे ही पकने दूंगी मैं इसे। तो आइए चेक करते हैं, ये हमारे बैंगन के भरते ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और अब मैं इसे हिला दूंगी और ये हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। और मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। ये हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इस पे थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।